आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फाइनल से पहले ही दहाड़े मिचेल स्टार्क टीम इंडिया को धमकी देते हुए पार कर गए बदतमीजी की सारी हदें, तो उनकी अपमानजनक बातों को सहन कर पाना रोहित शर्मा की बस की बात नहीं थी। फिर भारत के कप्तान ने इस खिलाड़ी को करारा जवाब देते हुए जो कहा सुनकर आप भी रोहित शर्मा को दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्यों बदतमीजी पर उतारू हो गए मिचेल स्टार्क? ऐसा क्या कहा था उन्होंने कि खुद रोहित को भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने आना पड़ा? उन दोनों के बीच हुई तीखी जुबानी जंग का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और स्मिथ में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों क्रिकेट के सबसे पुराने और लंबे फॉर्मेट का दौर आ चुका है जहां भारतीय टीम असली चुनौती इंग्लैंड की परिस्थिति में होने वाली है। 24 घंटों से भी कम के अंतराल में महामुकाबले की शुरुआत होने वाली है। सामने एक तो कंगारुओं के सितारों से सजी टीम उनकी धज्जियां उड़ाने को बेकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ दांव पर भारतीय क्रिकेट का सम्मान और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी लगी हुई है, जहां लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम किसी भी कीमत पर इस बार तो गलती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चुनौती इतनी आसान नहीं होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया का हर एक खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है, उनके पास खूंखार बल्लेबाजों से लेकर खौफनाक गेंदबाजों का ऐसा दल तैयार है जो चुटकियों में भारतीय खेमे को तहस नहस करने का दम रखता है। ऐसे में पूरा क्रिकेट जगत ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वहीं भारतीय टीम को अंडरडॉग माना जा रहा है। ऐसे में इस बार रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली के कंधों पर भारतीय टीम की नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए टीम इंडिया ने मैदान में जमकर पसीना लंदन के ओवल में होने वाले इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया ने जीतोड़ मेहनत की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया खेमा तो जीतोड़ मेहनत महीनों से कर रहा है, इस कारण वो भारतीय टीम से आगे लग रहे हैं। वहीं उनके खिलाड़ियों का खुद पर कॉन्फिडेंस भी देखते ही बनता है। इसी के चलते मिचेल स्टार्क ने अब भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए एक ऐसा विवादास्पद बयान जारी कर दिया जो देखते देखते पूरे क्रिकेट जगत में आग की तरह वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियां मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ खेलने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूँ और सामने जब भारत हो तब मेरा जोश कई गुना बढ़ जाता है। मैं काफी लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैंने गेंदबाजी से लेकर अपनी फिटनेस में सुधार किया है क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपनी टीम को फाइनल में जीत दिलाना चाहता हूं और मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया है कि भारतीय बल्लेबाजों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने उनके खिलाफ बहुत प्रैक्टिस करी है और बहुत से मैच खेले हैं। ऐसे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज यहाँ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि पेस उनकी कमजोरी है और वही हमारी मजबूती है। हम आसानी से ये मुकाबला जीत सकते हैं, यही हमने शुरुआत में ही भारत पर दबाव बना लिया तो वो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके ये बयान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो तो अपना आपा खो बैठे। फिर उनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बोलती बंद करते हुए रोहित ने कहा कि हाँ ये बात सही है, परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खेलना ही नहीं आता। हमारा हर खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है, उनका जज्बा और जोश देखते ही बनता है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उनका कप्तान होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि इस बार हम नया इतिहास लिख सकते हैं क्योंकि हमारे साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी हैं और हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते चाहे सामने कोई भी टीम आ जाए। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने तो स्टार्क को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि फाइनल में इतने अहम मुकाबले में कौन सी भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।